मालाबार जंक्शन खाएगा यहाँ पे? हाँ आजा, डोसा खाएगा? डोसा नहीं, पराठा मिलेगा उधर, आजा। सीरियसली बोल रहा हूँ, आजा। कैसा पराठा? केरला पराठा। सो गाइज, वी आर गोइंग टू चेक इन इन द होटल। तो हमने सोचा कि पहले हम होटल में चेक इन कर लेते हैं। चेक इन तो वैसे 3 बजे का, बट वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट कि अर्ली चेक इन अगर हो जाए। और ब्रिटिश म्यूजियम यहाँ से खाली 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसलिए मैंने होटल थोड़ा पास में लिया था ब्रिटिश म्यूजियम के। 2 मिनट है ना? हाँ, 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सो लेट्स गो इनसाइड द होटल। सो गैस, अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया है, बट अभी हमारा रूम रेडी नहीं है, तो वो रेडी हो जाएगा 3 बजे तक। तो अभी हमने सोचा कि पहले ब्रिटिश म्यूजियम कवर कर लेते हैं, जो कि यहाँ से 2 मिनट वॉक पे है, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन गो एंड चेक इन प्रॉपरली। और जो होटल हम स्टे कर रहे हैं वो है रेडिसन होटल, और बिल्कुल सेंट्रल लंदन में है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है। सो गैस, मेरे ठीक पीछे है ब्रिटिश म्यूजियम। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, कोने पर देख रहे हो, दैट्स वेयर आई एम स्टेइंग। एकदम बढ़िया लोकेशन मिली है रहने के लिए, और बिल्कुल सामने, बिल्कुल साइड में ब्रिटिश म्यूजियम है यहाँ पे। सो अभी इसके अंदर चलते हैं। भीड़ यहाँ पे है नहीं, एज यू कैन सी, अदरवाइज नॉर्मली ये पूरा भरा रहता है, लाइन लगती है यहाँ तक, बट अभी यहाँ पे भीड़ ज़्यादा कुछ है नहीं। संते, ये सारा ग्लास है ऊपर। सोलह में बनी थी ये क्लॉक, 1650 में, इतने साल पुरानी नहीं था। इस तरीके के क्लॉक के डिज़ाइन हुआ करते थे पहले। इस तरह के क्लॉक के डिज़ाइन हुआ करते थे। ना इनमें खाना बनता था पहले। ये क्या है संतो? This is key sets of the trip we're occupying in Buddha Pulsar. Is it gold? Bracelets है? हाँ, bracelet है, bracelet में necklaces है। गाइस, ये जितने भी स्वॉर्ड्स हैं, तलवारें हैं, यू कैन सी बिफोर क्राइस्ट, दैट मीन्स 2000 साल पुराने। Thank you.
संतो और सब तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही ये इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट ये इन्होंने ट्रांसफर कैसे करें, ये कहाँ से कैसे तो लेके आए ले कोई तो सोचने ना, कोई कोई तो इजिप्ट से लाया है, इजिप्ट से ट्रांसफर करें कैसे, ये देखो इतना बड़ा बड़ा ये पिलर है स्पेशली कितनी ज़्यादा केयर के साथ में इन लोगों को ये कितनी ज़्यादा केयर के साथ में लेके आए होंगे क्योंकि ताकि टूटे ना कुछ भी, और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखी हुई है। This man died 5,500 years ago. Can you believe? इसके नीचे कि इन्होंने मशीन लगा रखी है जो इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जिस टेम्परेचर में ये मिला था सेम उसी टेम्परेचर में, ताकि इसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। This man died more than 5,500 years ago. वी आर डन विद द ब्रिटिश म्यूजियम और अब फाइनली अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा ब्रिटिश म्यूजियम देख के, कभी कभी हिस्ट्री को भी जान लेना चाहिए तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यार, बहुत बहुत नॉलेजफुल वाली चीज़ें थी और काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स थे ऑल ओवर फ्रॉम इजिप्ट ग्रीस रोमन एंटीक आइटम्स वहाँ पे थे, कितनी सारी ज्वेलरी के आइटम्स थे, बहुत से बहुत अच्छा लगा हम सबको देख के। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे लंच क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक कॉफ़ी और डोनट पे चल रहे थे। टाइमिंग का थोड़ा देखना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो उस टाइम में हमको सारा चीज़ें कवर अप करनी है। तो अभी पहले होटल, फिर कुछ खाएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके वी गोना गो टू द रिवर साइड क्योंकि हमको करना है वहाँ पे।